हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये व्लॉग भी भाई दूज दिन का है, तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी भाई दूज। तो घर पे जो व्लॉग मैंने शुरू किया था सुबह मॉर्निंग से, तो वो मैंने वहीं पर भाई दूज करने के बाद एंड कर दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो मैंने सोचा कि चलो रक्षाबंधन की तरह मैं एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ भाई दूज का भी शेयर करूँ। तो बस जस्ट पहुंचने वाले थे तो मैंने अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लिया है। तो छोटा सा ही ब्लॉग है, 7-8 मिनट का। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और मायके तो ऐसे आना जाना लगा रहता है सभी का, लेकिन जब त्यौहार होते हैं तो उस टाइम पर जो आने की खुशी होती है, चाहत होती है, वो अलग ही होती है। एक्साइटमेंट होता है आने का। और जिनका मायका पास में है उनको तो और भी इजी है, मेरा मायका जस्ट पास में है, 10-15 मिनट की दूरी पर। तो बस फटाफट तैयार हो गई थी वहाँ पे भाई दूज करने के बाद घर पे, और बस निकल लिए हैं। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ आप देख रहे हैं तो ये मेरे मायके की हैं। क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी मैं इसलिए कह रही हूँ, जो ईंटों की रोड होती है जो खड़ंजे टाइप की, तो उसी तरीके की गलियाँ हैं। तो इस वजह से बाइक भी हिल रही थी और फ़ोन भी काफ़ी हिल रहा है। तो बस पहुंच चुकी हूँ, ये जस्ट बगल में घर मेरा ही है मायके का, और बस पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है भाई दूज खिलाने का। और ये है मेरे मायके के घर की मेन एंट्रेंस, यहाँ पे जीविका बैठी थी जो कि पहले ही आ गई थी। जीविका को आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो वो बाहर खेल रही थी। और बस जस्ट पहुंच गए हैं घर में आंगन में, तो यहाँ पर मेरी मम्मी जी घूम रही थी, और आती ही मैं बैठ गई थी भाई दूज खिलाने, क्योंकि जो छोटी वाली सिस्टर थी वो भी आ चुकी थी, और भाभी को भी जल्दी थी मायके जाने की। और जो टीका का मुहूर्त था भाई दूज के टीका का, वो भी 1 बजे के बाद से शुरू था और कुछ घंटे तक था, शायद 2.5-3 घंटे का। तो उनको भी थोड़ी सी जल्दी जल्दी थी, तो यहाँ पर शुरू कर दिया था हम लोगों ने भाई दूज खिलाना। तो मैं पूजा कर कर घर से आई थी, तो यहाँ पे जो चौक था वो मेरी छोटी वाली सिस्टर ने आके बनाया था, क्योंकि ये हक जो है ना बहनों का ही होता है। तो हम ही लोग आते हैं तो बनाते हैं, कोई भी बहन जो पहले आ जाती है वो बना देती है चौक। तो यहाँ पे छोटी वाली सिस्टर आज पहले आ गई थी, तो मतलब ये मेरे से छोटी हैं और इनसे एक छोटी है, तो वो रक्षाबंधन पे थी मगर इस टाइम पे नहीं है, वो बाहर है। तो बस हम ही दोनों बहनें थी, और यहाँ पर जो टीका की तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है। और अभी यहाँ पर मैं हूँ अपनी जो मौसी हैं उनके घर पे, जो पड़ोस में ही रहती हैं मम्मी के पास। अब मम्मी की छोटी बहन है, सगी छोटी बहन, तो उनके घर पर है मौसी है हमारी। तो ये जो बैठी हैं भाभी हैं, और भाई नहीं थे, मतलब बाहर हैं भाई, एक भाई था तो वो भी बाहर था, घर पे नहीं था, काम पे था अपने। तो भाभी थी और बिट्टू थी बस। तो हम दोनों ने बिट्टू का जो है ना टीका कर दिया है, भाभी का कर दिया है, क्योंकि मौके पे कोई भी मिल जाए, जो रस्में हैं वो तो पूरी करनी है, जो त्यौहार बने हैं त्यौहार तो निभाने हैं। तो भाभी का टीका कर दिया था, साथ में बिट्टू है छोटी सी तो उसका भी टीका कर दिया है। Thank you.
क्या खा रहे हो? इधर ड्राइंग बन गई है तो दिखा दो, इधर क्या बना है? देखिए कृष्णा वर्मा ने ये लगाया है, बनाया भी है। ये है क्या? टैडी। ये टैडी बियर है। कहाँ से है भाई बियर? कहाँ पे टैडी? यहाँ टैडी भी नहीं दिख रहा, बियर भी नहीं दिख रहा। ने बनाया ये टैडी बियर? कहाँ से टैडी बियर दिख रहा है? हाँ दिखाओ हमको भी। दिखाई दो भाई। हाय मेरी अम्मा ने वो नई कॉपी खराब कर दी इसने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं बैठी हूँ अपनी मम्मी के घर पर, और आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी बधाई। विश यू वेरी वेरी हैप्पी भाई दूज। और यहाँ पर कोई खड़ा है जो आपसे कुछ बोलना चाहता है? बोलना नहीं, देखना चाहता है। देखना चा एक बार कर दो। हेलो कर दो। हेलो कर दो। कौन है? जीविका राजवंशी। और यहाँ पे बैठी है हमारी मम्मी, और इधर कौन है? कृष्णा। कृष्णा इधर। तो भाई दूज तो मन गया है, और अभी मैं जा रही थी अपने घर पे। और इधर कौन है? मिष्टी। मिष्टी के दांत बड़े बड़े, इसलिए मिष्टी मुंह छुपाती है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अभी नहीं बाय बाय, कुछ करना है। तो पहले पहले इंट कर दो, फिर तुम्हारा हम कैमरा ऑन कर देंगे, फिर तुम डांस वाला रिकॉर्ड कर लेना। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, इस वाली वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।